शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के अररिया प्रवास के दौरान फारबिसगंज के जिला प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान डाइट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों से खुलकर बातें की, प्रशिक्षण से जुड़ी जानकारियां प्राप्त की। निरीक्षण के क्रम में डाइट कॉलेज में करोड़ों की लागत से बने भवन को कॉलेज प्रशासन को स्थानांतरण नहीं होने पर चिंता व्यक्त करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी को तत्काल भवन का स्थानांतरण करने का निर्देश दिया। डाइट के प्राचार्य को प्रशिक्षण की बेहतर व्यवस्था करने के साथ ही आगामी माह से 500 प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधा सुचारू करने का निर्देश दिया। पाठक ने स्वयं कॉलेज के वर्ग कक्ष शौचालय पूरे कैंपस का निरीक्षण कर कई आवश्यक निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारियों राजकुमार एवं कॉलेज के प्राचार्य को दिया। निरीक्षण के क्रम में अपर मुख्य सचिव के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार प्रखंड, जिला पदाधिकारी सूर्य प्रसाद यादव, शिक्षा विभाग के आलाधिकारी मौजूद रहे। ऑल इंडिया प्राइवेट कोचिंग एसोसिएशन के सदस्यों ने अपर मुख्य सचिव से कोचिंग की समस्याओं पर बात करने का प्रयास किया। बात नहीं हो पाई, मीडिया को भी कुछ बताने से इंकार किया। मौके पर अध्यक्ष राशिद जुनेद, प्रखंड सचिव अमित अवतार, प्रखंड संरक्षक सोनू कुमार शर्मा, जिला कोषाध्यक्ष अयूब खान, युवा नेता इरशाद सिद्दीकी आदि मौजूद थे। सर ये कह रहे हैं कि बीएड कॉलेज का जितना भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वही है, तो मान लीजिए करना ये है कि बीएसआईडीसी को बोल के वो भी ये अभ्यास भी चले कहाँ आप कहाँ ट्रेनिंग उसके बाद ये हैंड ओवर नहीं हुआ, ये हैंड ओवर नहीं हुआ। अरे ये सब आइए ना जल्दी। और इधर जरा पहले इधर ऐसा है, 276 में से आपने ब्रेकअप बताया 83 और इधर आपने बताया 75, तो कितने हुए 160। बाकी इसका मतलब कि 116 टीचर वो जाते आते हैं। कोई नहीं जाएगा, ये सर सिटी बिल्डिंग है, जो है नॉर्मल नहीं है। क्या